यस, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, सिंपल एक्सरसाइज ये भी। सबसे पहले बात करते हैं द एम्प्टी सेट। अब टाइप्स ऑफ सेट में आगे बढ़ते हैं। एम्प्टी सेट मीन्स द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। मतलब ऐसा कोई भी सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसे हम नल सेट या एम्प्टी सेट बोलते हैं, डिनोटेड बाय पाई और ब्रैकेट्स। यस, इसके बीच में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, पर अगर मैं ऐसा लिखूँ तो ये नल सेट का एग्जाम्पल नहीं है या एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सपोज एस सच दैट एस इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है? ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो इस समय हमें एम्प्टी सेट मिलेगा, राइट। या एस इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 1 एंड 2। तो 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, इसका मतलब यहाँ पर ये एक एम्प्टी सेट मिला, राइट। तो एम्प्टी सेट मीन्स कोई एलिमेंट नहीं होगा, नो एलिमेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। बिल्कुल सिंपल सा, नेम से क्लियर है। फाइनाइट सेट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंटेबल हो, फाइनाइट एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो तो इनफाइनाइट सेट। जैसे सपोज मैं लिखूँ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, दिस इज फाइनाइट सेट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दिस इज इनफाइनाइट सेट, क्योंकि आप लास्ट नेचुरल नंबर नहीं बता सकते। सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8, 10, राइट। सेट ऑफ इंटीजर, दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, जिसमें -1 भी होगा, -2 भी। जिसके एलिमेंट हम स्टार्टिंग से एंड तक काउंट कर सकें इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। जिसके एलिमेंट स्टार्टिंग से एंड तक काउंट ना कर सकें इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। तो इक्विवेलेंट सेट में सिंपल, 2 सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर बोथ सेट्स आर इक्वल। सपोज इक्विवेलेंट सेट में ध्यान रखिएगा, जैसे सपोज ए है, ए बी सी, बी है सपोज 1, 2, 3, दिस इज इक्विवेलेंट सेट। ए में भी 3 एलिमेंट हैं, बी में भी 3 एलिमेंट हैं, इसलिए इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। एंड नेक्स्ट है इक्वल सेट। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में बहुत डिफरेंस होता है। सपोज ए है 1, 2, 3, बी है सपोज 3, 2, 1, दिस इज इक्वल सेट। एलिमेंट्स इक्वल होने के साथ साथ वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, बट इक्विवेलेंट सेट की जब भी बात करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल देखेंगे। इक्वल सेट की बात करेंगे तो इक्वल एलिमेंट के साथ उनकी वैल्यू भी सेम होना चाहिए, राइट। आप एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये भी काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वर्ड प्रॉब्लम्स या प्रॉपर्टीज़ बेस्ड वाली प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी। ये स्टार्टिंग की 1, 2, 3 एक्सरसाइज जो हैं वो कंसेप्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज है। इनको आपको कंप्लीटली सॉल्व करना चाहिए। जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ कवर करता हुआ चलूँगा। यस, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। कौन सा नल सेट का एग्जाम्पल्स है? नंबर 1 है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, अब ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 नहीं होते तो दिस इज एम्प्टी सेट, राइट। अगर हम सेकंड देखें सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, ये पॉसिबल है, 2 एक इवन प्राइम नंबर है ओनली, तो ये एम्प्टी सेट अब नहीं है। थर्ड देखें एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एक्स लेस देन 5 ग्रेटर देन 7। अब नेचुरल नंबर लेस देन 5 मीन्स 1, 2, 3, 4, ग्रेटर देन 7 मीन्स 8, 9, 10, तो कॉमन नहीं हो सकता कुछ, दिस इज ऑल्सो एम्प्टी सेट, राइट। फोर्थ है वाई सच डैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। अब ये पॉसिबल नहीं है, 2 पैरेलल लाइन में कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता, दिस इज ऑल्सो एम्प्टी सेट, राइट। नो डाउन। यस, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए कितने बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है, रीड करके ही आप आंसर दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। नंबर 1 द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, दिस इज फाइनाइट सेट, क्योंकि हमें पता है मंथ ईयर में 12 मंथ होते हैं, दिस इज फाइनाइट सेट। सेकेंड है 1, 2, 3 एंडलेस है, दिस इज इनफाइनाइट सेट, राइट, ये इनफाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट है। थर्ड देखिए 1, 2, 3 अप टू 100, दिस इज ऑल्सो फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, तो ग्रेटर देन 100 एंडलेस हो गई, जो चीज़ एंडलेस हो गई समझ जाइए इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, दिस इज ऑल्सो फाइनाइट सेट, ये इनफाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि लेस देन 99 बोला है तो तो आपको पता है कि स्टार्ट 2, 3 और अप टू 99 तक ही जाना है, तो इसका एंड हो जाएगा, राइट। तो जिन सेट में एलिमेंट काउंट हो सकते हैं फाइनाइट, जिसमें काउंट नहीं हो सकते इनफाइनाइट। नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। थर्ड सिमिलर क्वेश्चन था इसलिए स्किप किया, आपसे हो जाएगा, फोर्थ भी हो जाएगा, पर क्योंकि हम एक एक चीज़ कवर करते हुए चल रहे हैं। अब फोर्थ में इन ऑफ द फॉलोइंग सेट विच सेट इज ए इक्वल टू बी, राइट। ए इक्वल टू बी मीन्स इक्वल सेट कौन कौन से हैं। यहाँ पर एलिमेंट है ए बी सी डी, यहाँ पर एलिमेंट है डी सी ए बी सी डी है, इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट ए इक्वल टू बी है। अगर हम सेकंड देखें तो 4, 8, 12, 16 नहीं है, ये ए नॉट इक्वल टू बी बिकॉज 12 बिलोंग टू ए बट 12 नॉट बिलोंग टू बी, तो इक्वल सेट नहीं है। थर्ड देखें तो 2, 4, 6, 8, 10 ये आपको टेबुलर फॉर्म में दिया है। x such that x is a positive integer less than equal to 10, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, less than equal to 10 पॉजिटिव इवन इंटीजर बोला है, तो ऑब्वियसली 2, 4, 6, 8, 10 ही होगा। दिस इज ऑल्सो इक्वल सेट, राइट। थर्ड इज ऑल्सो इक्वल सेट। देखिए कितने अच्छे से कंसेप्ट बनाए हुए हैं बुक्स में, इसलिए हर एक्सरसाइज करते हुए चलिए। फोर्थ है x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, राइट। ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, मल्टीपल ऑफ 10 मीन्स 10, 20, 30 एंडलेस है, इनफाइनाइट सेट है। ये भी इनफाइनाइट सेट है, नहीं, इसमें 10, 15, 25 आ गया तो ये इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ 10, 20, 30 है, वहाँ पर 10, 15, 20, 25 है, तो ए नॉट इक्वल टू बी, राइट। नो डाउन। 5th एंड 6 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है इक्वल सेट्स के, जो आपसे इजीली हो जाएंगे, इसलिए हम उसको स्किप करके नेक्स्ट साइज पे मूव करते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हैं, आप इजीली कर लेंगे, राइट।